कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे पे जो है मैंने कहा क्या अब रोज़ रोज़ जो है ब्रेकफास्ट की वीडियोस बनाऊं और स्टोरीज बनाऊं, तो फिर मैंने आज जो है थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैं उठी मैंने नाश्ता वगैरह किया और फिर मैं जो हूँ रेडी हो गई। रेडी इन सेंस कहीं जाना नहीं है, बस ऐसे ही रेडी हो गई शॉवर वगैरह लेके। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ अपनी परफ्यूम लगा देती हूँ। ये परफ्यूम इतनी मज़े की है ना, जो है ना फ्रेश लुक देती है। इसका नाम जो है वो है DKNY और ये बी डिलिशियस है। ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेश वाइब देती है और स्वीट स्मेल भी है इसकी। तो अगर कोई इन चीज़ों में, इन फ्रेग्रेंस में इंटू है तो ये वाली ज़रूर ले। तो फिर मैं बस इसको लगा देती हूँ। सो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं खाने में क्या है और खाने के लिए कुछ है या नहीं। अभी डिनर का टाइम तो नहीं हुआ है, इवनिंग टाइम है, तो इवनिंग टाइम में देखते हैं कि कुछ है तो हम फिर वो खा लेते हैं। तो देखें, जैसे ही मैं नीचे आई तो क्या बना हुआ था, और सरप्राइज़ की बात तो ये है, ये हनी ने बनाया था। हनी जो है अक्सर कुकिंग नहीं करती, लेकिन अगर जब इसने करनी होती है तो ये पास्ता ही बनाती है। और पहली दफ़ा आई स्वर इतना मज़े का इसने जो है पास्ता बनाया था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि घर का बना हुआ है। और ये कोई एक्सपर्ट नहीं है कुकिंग में, लेकिन फिर भी इस दफ़ा इसने बहुत अच्छा पास्ता बनाया था। तो मैंने कहा कि अब वेट लॉस करना है तो सबसे पहले एक टिप तो ज़रूर याद किया करें कि वेट लॉस से पहले पानी ज़रूर पिया करें। पानी पीने से क्या होता है कि आप पियेंगे तो आपका जो स्टमक है ना वो फुल हो जाएगा और आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे। लेकिन इनके बावजूद भी पास्ता इतना यमी था, मैंने 2 प्लेटें खाई। गिल्टी प्लेजर है ये। और बस देखें, आप इसकी शक्ल में देखिए ना, आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत मज़े का पास्ता लग रहा था। और आप लोग बताएं कैसे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम लोग बातें करेंगे। एंड यस, कमेंट सेक्शन से मुझे याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं, हमेशा कमेंट करती हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका आज नाम लूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपने मेरा नाम लेना है, तो इकरा के ब्लॉग्स आपने उनको सब्सक्राइब करना है, उनकी वीडियोज़ देखनी है। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखें, हमारी टी वी की IC जल गई थी UPS के झटकों की वजह से, तो बाबा ने जो है स्पेयर में जो TV पड़ी हुई थी ना उसको लगा दिया था, क्योंकि न्यूज़ के बगैर हमारे घर वाले तो रह ही नहीं सकते। तो बस यहाँ पे जो है TV तो आ गई थी, मतलब एक हफ्ते के बाद आई, लेकिन आ गई थी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हनी जो है वो आ गई थी मेरे कमरे में डाका डालने डाका डालने नहीं सॉरी, इसको जो है शादी के कपड़े चाहिए थे, और उसकी फ्रेंड के घर में किसी की शादी है तो शी इज़ इनवाइटेड, तो उसको जो है मेहंदी के लिए कोई सूट चाहिए था, तो उसको ये सूट मिला। लेकिन इसको जो है ना लग रहा था कि ये इसको फिट नहीं आएगा, तो उसने कहा मैं जा रही हूँ और चेंज करके आती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं है। मुझे मैंने तो कहा कि भाई अच्छी लग रही हूँ, लेकिन उसको शर्ट की लेंथ जो है ना वो पसंद नहीं आ रही थी, जो बहुत ही छोटी थी। तो उसने कहा कि मैं अब इसको तो कैंसिल कर देती हूँ। अब पूछ रही थी कि मैं कौन से पहनूँ आखिर, हनी का मसला तो हल हो गया, लेकिन फिर मैंने एक दूसरा मसला निकाल दिया। मैंने जो है हैंगर जो न्यू लेके आई थी, आपको दिखाया पिछले व्लॉग में, तो मैंने कहा कि मैं अपने स्कार्फ जो है इसमें लगाती जाती हूँ, और स्कार्फ तो लगाती गई, लेकिन मुझे आइडिया आया तो इतनी जगह तो बच रही है, मैं अपने इसमें दुपट्टे भी जो एक्स्ट्रा है ना वो भी लगा देती हूँ। तो काम ये हुआ, सारे दुपट्टे लगाने के बाद मुझे नहीं पता था कि हैंगर जो हैवी हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इसको हैंग किया ना अलमारी में, मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे आवाज़ आई कोई चीज़ गिर गई, और जैसे ही मैंने खोला कि ये हैंगर ही गिर गया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों गिर रहा है। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतना वेट नहीं उठा सकता, ये छोटे छोटे स्कार्फ्स ही उठा सकता है, दुपट्टे नहीं उठा सकता। I just had a haircut by myself. मैंने खुद अपने जो है बाल देखें काट लिए हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहले मैंने अच्छा हेयर कट दिखाने के लिए मैं नीचे आ गई थी। फिर हम जो बातों में बैठ गए, बाबा मैं और हनी मामा, और फिर मैंने जो है कहा कि मैं बिरयानी खा लेती हूँ, फ्रिज में पड़ी हुई थी जो मामा ने बनाई थी, बहुत मज़े की लगती है मुझे बिरयानी। आज वैसे मुझे काफ़ी देर हो गई है इंटरमिटेंट फास्ट क्लोज़ करने में, वैसे मैं 8 बजे क्लोज़ कर देती हूँ, लेकिन अभी हो रहे हैं 1:30 और मैंने 12 बजे जो है खाना बंद किया। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट डे 4 बजे मुझे खाना है, 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना वो पूरी होगी। तो
पूरी तो करनी है, तो 4 बजे खा लूँ या 3 बजे खा लूँ, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपने 12 घंटे के बाद 1-2 घंटे अपनी बॉडी को देने हैं। इस प्रोसेस में ये होता है कि 12 घंटे आपकी बॉडी फूड प्रोसेस करती है, उसके बाद फूड प्रोसेस हो जाता है, बॉडी बिल्कुल खाली हो जाती है, फिर उसको कोई चीज़ चाहिए होती है जिस चीज़ से बॉडी चल सके, तो फिर क्या करती है बॉडी, आपकी फैट में से आपकी बॉडी चलाती है, आपकी फ़ैट को पकड़ के, मतलब आपका फ़ैट कम हो जाता है, फिर आपकी फ़ैट से आपकी बॉडी चलती है, इसलिए आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट लूज होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि 12 घंटे के बाद 13 या 14 आवर्स हो जाएं तो फिर अच्छा है, 16 नहीं भी हो रहे ना तो 13, 14, 15 तो हो जाए तो 1 घंटा आपका फैट जो है वो बर्न होता रहेगा। तो दिस इज़ इट। एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने 11 kgs जो है इस तरह लूज़ किए हैं। ये आप ट्रैक देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे वॉक किया 30 मिनट्स यहाँ पे की है, 10 मिनट भी मैंने यहाँ पे किए जो 40 मिनट्स में पूरा करती थी। तो अब भी आज भी मैं यही करने वाली हूँ। और मैं क्या करती थी कि मैं सबसे पहले टीवी ऑन कर देती थी, टीवी पे कोई ब्लॉग वगैरह या फिर कुछ भी लगा देती थी और बस उसको ऑन करके और मैं से वॉक करती थी। तो आज भी मैं यही करने वाली हूँ। और मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करती कि अभी 2 होने वाले रात के तो मैं अब क्यों वॉक करूँ, बस टाइम ओवर हो गया है, मुझे वॉक नहीं करना। नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस में। अगर 2 भी हो रहे हैं ना तो कोई बात नहीं है, आप वॉक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर हो। तो बस यहाँ पर देखें, मैंने जो है अपना ब्लॉग कोई भी वीडियो लगा देनी है टीवी पर एंड देन हम जो है वॉक स्टार्ट करेंगे। तो बस सामने सामने अनाया अली हमज़ा का व्लॉग है तो मैं वो चला लेती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग इनके व्लॉग्स जो है एंजॉय करते हैं। मुझे तो बहुत इनके व्लॉग्स पसंद है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। ओके जी, ये व्लॉग स्टार्ट हो गया है और अब हम वॉक कर रहे हैं और मैं आज वॉच नहीं पहन रही, भूल गई हूँ, तो इट्स ओके। बहुत फन लग रहा होगा आपको, आई नो, पर कोई बात नहीं, वॉक तो हो रही है ना इस तरह। तो मैं यहाँ पे ऊपर आ चुकी हूँ और मैं पता नहीं अपने आप को कैसे कंट्रोल करके आई हूँ। असल में मेरी क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं सिनेमन रोल्स खाऊं। तो फिर मामा ने कहा कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा कोई गैस का काम नहीं है क्योंकि अभी गैस नहीं होती ना रात को, तो मैंने कहा कोई गैस का काम ही नहीं है, हम बेक कर देंगे, लेकिन मामा ने कहा कि अभी नहीं, कल बनाना। और फिर मैंने रेसिपी वगैरह भी देख ली है, अब कल मतलब आपको दूसरे ब्लॉग में जो है इसकी रेसिपी नज़र आएगी, तो फिर मैं कल बनाऊंगी और फिर मज़े मज़े से खाऊंगी। तो बस ये है और ये था मेरा आज का ब्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।